लॉकडाउन के बाद से मजदूर अपने अपने शहर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में जो मजदूर कई किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं, उन्हें रास्ते में खाने के नाम पर एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है, तो कहीं कुछ समाजसेवी संगठन उन्हें खाने के लिए कुछ खाना दे देते हैं। ऐसे में गोंडा में कुछ समाजसेवी संगठनों ने श्रमिकों के भोजन का बीड़ा उठाया है। समाज सेवी अजय कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगी राजू गुप्ता के साथ प्रण लिया है कि कोई भी गोंडा में आने वाला परदेसी अब भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपने घर पर भंडारा शुरू कर दिया। रोजाना हजारों लोगों का खाना तैयार करके श्रमिकों को बांटते हैं। समाज सेवा का कार्य जो कोरोना में जो उत्पन्न हो गई महामारी, इसको देखते हुए समाज की सेवा का कार्य जारी है। कि कितने दिनों से आपका कार्य चल रहा है, इसके पहले और? लॉकडाउन फेज वन में हम लोगों ने देखा कि सड़कों पे जानवर बहुत हैं, उनको मवेशी हैं, उनकी सेवा करते थे। लेकिन विगत तीन दिनों से हम उन राहगीरों की जो है सेवा में लगे हैं जो भूखे हैं, दो दो दिन तीन तीन दिन से जिन्होंने भोजन नहीं प्राप्त किया है उनके लिए सेवा में जुटे हैं। अच्छा, प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाते हैं आप? हम 1000 आदमियों का टारगेट लेकर डेली चलते हैं। जो इसमें खर्च लगता है, इसका जो है पैसा है, वो कहीं से सहयोग मिलता है कि आप स्वतः लगाते हैं? हम और हमारे मित्र ये राजू गुप्ता जी हैं। अभी तक तो हम दोनों ही करते थे, लेकिन एक दो दिन से कुछ और सहयोगी इसमें जुड़ गए हैं, जो है लोगों के या मीडिया के माध्यम से उनको जब जानकारी हुई तो वो भी आगे आने लगे हैं, साथ जुड़ने लगे हैं। उन लोगों से कुछ सहयोग मिलता है? हाँ, जैसे कि कुछ लोग यहाँ खाना बनाने वाले आपको दिखते हैं, ये सब विदाउट कास्ट, कोई पैसा नहीं लेते हैं, या जिस जो है किसी के पास किराने की दुकान है तो उन्होंने मसाला दे दिया, एक पानी की दुकान के हैं तो उन्होंने पानी दे दिया, ऐसे भी सुविधाएं कुछ हम लोगों को मिल जा रही हैं। इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं तो ये संदेश क्या देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं देश की एकता को। देश का 137 करोड़ भारतवासी एक रहे, एकजुट रहे, और कोरोना काल में जो है पूरे विश्व को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम साथ हैं और साथ लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे। आपको बता दें कि यहाँ खाना बना रहे लोग निशुल्क काम कर रहे हैं और देश में एकता का संदेश दे रहे हैं। गोंडा से न्यूज़ के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।